में कर प्रॉब्लम है, लो। मैं तो एक दूसरे की सही आ रही है वॉइस। वो डायरेक्शन का उसमें भी दे रखा था शायद से लखमीर सिंह ने। जब एनसीआरटी में तो लखमी सिंह में होगा ही, कल हाँ तो हमें मीटिंग एनसीईआरटी सही रखी तरह नहीं पढ़ी। थी। यार एनसीआरटी मुझे भी नहीं दिखाता ये वाला सेंटेंस, एनसीआरटी ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ। एनसीआरटी के पहले पेज पे है भाई, पीले रंग के बॉक्स में हाईलाइटेड। एक मिनट देखते हैं, चलो सर शायद म्यूटेड हैं, सर आप म्यूटेड हो। सर सर है तो सर आपका माइक ऑफ है। Right, is I am audible right now? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. Just a second. Just a second. I need to. Sir. यस सर, सर आपने सर एक डाउट है। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो सर, का माइक ग्लिच हो रहा है सर। ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। सर की देखो तीन डॉट वो एक्स एज इट इज है, हिल ही नहीं रही हो। यही तो मेरे साथ भी होता था। हाँ वो आती नहीं है फिर उससे बाद। सही है। Okay, right now I'm audible or not? Yes, sir, you're audible. Yes, sir, आप audible. These Bluetooth devices. Sir, yes. क्या कहा? Perf? Perf? You are audible. Sir, आप पूछो. Right, right. Okay. Actually, these Bluetooth devices are not connecting and giving problem. क्या हुआ बेटा? Doubt क्या आ गया? सर एक तो सर आपने टर्म यूज किया था YDSC करके, यंग्स लेवल स्टेट एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, कोई काम का नहीं है अभी तुम्हारे यंग्स लेवल स्टेट एक्सपेरिमेंट। उसी के साथ आपने एक डायफ्रैक्शन, सर आपने डायफ्रैक्शन लिखवाया वो? हां बेटा, वो भी एक्चुअली वेव नेचर का, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेव नेचर शो करती है, ये उसका एक एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी और डायफ्रैक्शन भी, तो उसमें जो डायफ्रैक्शन जो लाइट रेज होता है, जो लाइट रेज होती है एक्चुअली वो वेव नेचर शो करती है, जिसमें मतलब फ्रिंजेस बनती हैं। अभी आपको शायद बोर्ड तो दिखाई दे ही रहा होगा। ओके जस्ट अ सेकंड सर, जो मॉस्किटो नेट में बनते हैं फ्रिंजेस कुछ इस तरीके से, मतलब थिकनेस पतली, जो मॉस्किटो नेट में बनती हैं। किस कौन से नेट में? सम मॉस्किटो रेपेलेंट जो होता है उसमें फ्रिंजेस बनती हैं। सम समथिंग रिलेटेड टू दैट, आई एम नॉट श्योर कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि उस पे कैसी बनती हैं।
लेकिन कुछ कुछ इस तरीके से जैसे स्ट्रेट लाइन बनाई है ना मैंने वाली, कुछ कुछ ऐसी बनती है, फ्रिंजेस टाइप बनती है मतलब। तो मतलब एक कुल आसान भाषा में कि वेव नेचर शो करता है, तो अभी तुम्हारे मतलब का है नहीं, अभी तुम्हारे मतलब का सिर्फ स्ट्रेट पाथ ही है मैक्सिमम। सर हाँ बेटा सर पेपर में से डाउट है टेस्ट के। बेटा अभी पहले एक बार थोड़ा ऑप्टिक्स शुरू कर लें, ये चीजें लास्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर के लास्ट में कर लेंगे। ओके सर, आपके 5 मिनट ठीक है सर। पिछली क्लास में आपने कहा सर कुछ बात सर डाउट बताएंगे। हाँ बेटा वो पिछले क्लास वाले अभी तक तो मैंने एक भी डाउट नहीं कर पाया हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वो मैं पहले ही बता रहा हूँ ठीक है। मुझे पता है 2-2.5 हफ्ते बाद हुई, बट आई वाज नॉट मतलब मैंने अभी प्रिपेयर किया नहीं। मैं पहले आपको बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन अभी ना पूछो, अभी पहले हम टॉपिक से रिलेटेड करते हैं क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड एक्चुअली होना अभी ज़्यादा जरूरी है, नहीं चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे ठीक है। हाँ ओके, तो सबसे पहले ऑप्टिक्स ये हमारा है। सबसे पहले मैं आपको वापस से वही चीज़ एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक वेव का स्ट्रक्चर था जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिया है राइट। इसमें हमने क्या देखा था कि एक साइकिल जब ये कम्प्लीट होती है तो जो लेंथ वो कवर करती है साइकिल कम्प्लीट होने में उसे वेव लेंथ कहते हैं, जितना वो टाइम लेती है इस साइकिल को कंप्लीट करने में इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। उसके बाद हमने देखा था कि जब डिस्टेंस ट्रैवल होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। ओके सो जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम वेव के केस में लें तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, जो स्पीड होगी वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जो वेव की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस टाइम को हम 1/f लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वेव इज इक्वल टू लैम्डा f, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने कर लिया था, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। टिल नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो एक वेव के अंदर इसका मतलब अभी तक हमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसकी वेवलेंथ, उसकी वेलोसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी। ये 3 रिलेट हमने सॉरी गुड इवनिंग सर। ये कौन आया? वैभव और प्रतीक। प्रतीक प्रतीक सर। हाँ प्रतीक, गुड इवनिंग बेटा। प्रतीक अरे क्लास चल रही हो तो कोई बात नहीं, शांत रहा करो ठीक है, शुरुआत में हो जाती है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके नाउ अब क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ये कैसे बना वो मैं आपको अगले टर्म में बताऊंगा, अभी मोटा मोटा जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जब भी एक लाइट किसी भी मीडियम से टकराती है, किसी भी मीडियम से, तो दो चीजें जनरली होती हैं, दोनों एक साथ होंगी, रिफ्लेक्शन भी होगा साथ के साथ और रिफ्रैक्शन भी होगा साथ के साथ। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब एक लाइट एक मीडियम एक सरफेस से टकराती है और उस सरफेस से टकराने के बाद उसी सरफेस उसी मीडियम के अंदर सेम मीडियम में वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो सेम मीडियम, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। जबकि अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस ऐसी चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। राइट, अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लाइट किसी भी मीडियम के सरफेस पे टकराती है तो हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, कुछ केसेस में रिफ्रैक्शन ज्यादा होती है तो हम रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। ये समझने के लिए अगर आप कोई साफ पानी लें और उसमें आप मतलब उसके अंदर देखें तो आपको अपने फेस भी दिखाई देता है और साथ के साथ आपको उसके अंदर पानी के अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखाई देता है। दिस एक्चुअली प्रूव्स कि जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है और वो अंदर भी जा रही है। क्या ये सभी को क्लियर है यहाँ तक? राइट, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होती है एवरी टाइम, लेकिन कुछ केसेस में रिफ्लेक्शन डोमिनेट करता है, कुछ में रिफ्रैक्शन डोमिनेट करता है। इसके लिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं राइट। इसमें केस जो मैंने लिया उसमें क्या लिया है कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसको म्यू कहते हैं, एम यू म्यू, तो म्यू वन और म्यू टू ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इसको तुम एन वन एन टू भी कह सकते हो अगर म्यू समझ में नहीं आता तो। तो ये एन वन होता क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अभी बताता हूँ बेटा, इसमें हम क्या कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अंदर, जस्ट अ सेकेंड,
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक तरीके का रेशियो है जो बताता है कि एक मीडियम के अंदर वेलोसिटी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम एयर देखते हैं, एयर तो एयर का हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मानते हैं 1 और इसके अंदर जो सॉरी कोई कुछ बोला अभी सर मेरे को समझ में नहीं आया जो आपने बोला सेम मीडियम में मैं भी बताता हूँ बता देता हूँ बेटा. मान लो यहाँ पे एयर है, इस जगह पे एयर है, तो अब हमारे जो पानी है ये पानी का सरफेस है, इसको ऐसा लगाइए. तो जो वाटर जो लाइट रे है वो आई पानी के सरफेस से टकराई, कुछ पानी के अंदर चली जाएगी और कुछ पानी के बाहर ही टकरा के बाहर चली जाएगी. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना फेस दिखाई देता है, तो जब लाइट रे एयर से आई और एयर में ही टकरा के चली गई तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन. इसका मतलब जिस मीडियम से लाइट रे आई है एयर से उसी मीडियम में वापस चली गई. क्या ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर. और दूसरा क्या होगा कि अगर एक मीडियम से लाइट रे आई और और दूसरे मीडियम में चली गई, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन. कि हम एक मीडियम एयर से आई और दूसरे मीडियम फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर चली गई. क्या अभी ये चीज क्लियर है सभी को? उसमें सर हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी? नहीं, दोनों दिखाई देता बेटा, शक्ल भी दिखाई देती है और अंदर की चीजें भी दिखाई देती है. पानी में रिफ्लेक्शन होता है फिर रिफ्रैक्शन? बेटा डिपेंड करेगा कि अगर पानी साफ है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर पानी गंदा है काला होता है तो फिर तुम्हें अंदर का दिखाई नहीं देता, तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई देती है थोड़ी बहुत. रिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? ये जिस सरफेस से टकरा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब सर सरफेस की डेंसिटी से या फिर किस चीज से? नहीं, एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज होती है. जैसे आप ग्लास देखते हो अपने घर में, जो शीशा होता है वो भी एक तरीके का ग्लास है, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग कर रखी है एक दूसरी साइड पे. वो कोटिंग इसलिए कर रखी है ताकि लाइट जो है वो आर पार ना चली जाए, कम्प्लीटली थ्रू ना चली जाए, लाइट टकरा के वापस आ जाए, इसलिए वो कोटिंग की जाती है. तो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर. तो जिसको जैसे आपने अगर आपने कुछ घरों में शीशे देखे होंगे कि दिन के अंदर तो हमें अगर हम बाहर से देखते हैं तो अंदर का कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उसमें भी होता है रेलवे में जो नॉर्मल चीजें दिखाई देती है कि अगर हम दूर से देखते हैं तो जनरली नहीं दिखता, मेरा वही कहना. क्योंकि पास जाके भी एक्चुअली होता क्या है, जो पीछे रहते हैं तो लाइट जो होती है ज्यादा मतलब स्कैटर्ड रहती है. जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो लाइट रेस थोड़ी और फोकस होकर तुम्हारी आंखों में आती है, इसलिए हमें पास आके ज्यादा दिख जाता है बस. क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, yes, sir. अब इसमें मैंने एक कुछ चीजें, अभी मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे दोबारा आऊंगा, जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा मैं उसके ऊपर दोबारा आता हूँ. अब इसके अंदर एक चीज और आती है जो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था. तो क्या होता है जब एक लाइट रे एक मीडियम से आती है और उसी मीडियम में वापस टकरा के चली जाएगी, तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं. वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ भी वही रहेगी और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी. लेकिन जब एक वेवलेंथ एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. और जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो जब अब देखो वेलोसिटी जो है वो रिलेटेड किससे है? वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी से. ये आवाज कौन कर रहा है? उदय बेटा ये आवाज ना करो प्लीज. तो मैं क्या कह रहा था कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमने देखा वेलोसिटी तो दो पैरामीटर से रिलेटेड करती है, एक वेवलेंथ से करती है तो एक फ्रीक्वेंसी से करती है. तो या तो वेवलेंथ चेंज होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी या दोनों. तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो उसकी वेवलेंथ है वो सेम रहती है, सॉरी जो उसकी वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है. तो एक मीडियम से जब एक लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ध्यान से देखिए मैंने जो F1 लिखा है उस F1 के अंदर मैंने या दूसरी जगह भी मैंने F1 ही लिखा हुआ है. तो ये क्या बताने के लिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी लेकिन जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी. ध्यान से देखिए यहाँ पे V1 लैम्डा 1 है और यहाँ पे V2 लैम्डा 2 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैंने F1 ही लिखा हुआ है. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? वेलोसिटी वाले वापस बता, अब मैं बता देता हूँ. जब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना,
मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है रिफ्रैक्शन का, वो केस रिफ्रैक्शन का होगा जो कि हम बाद में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो बढ़ भी सकती है वो घट भी सकती है, इस वाले केस में घटेगी, लेकिन जनरली वो बढ़ भी सकती है वो घट भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। इसको आसान भाषा में समझने के लिए कि अगर आप दौड़ रहे हो तो आप जमीन पे अगर दौड़ेंगे तो आप ज्यादा शायद आराम से दौड़ पाएंगे बजाय अगर मैं आपको एक कमरा दे दूं जिसमें पूरा पानी भरा हो और मैं आपसे कहूं दौड़ो। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि उस भरे हुए पानी के अंदर कमरे में दौड़ने में दिक्कत आएगी? फ्रिक्शन आ जाता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन आ जाता जाएगा, राइट। तो इसीलिए वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी सिर्फ हम वेलोसिटी चेंज होने की बात कर रहे हैं, कम ज्यादा होने की बात नहीं कर रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। तो हेंस जब वेलोसिटी चेंज हुई तो अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब अब दोनों में से कोई चेंज एक हो सकता है या दोनों चेंज हो सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि जो उसकी वेवलेंथ है वो चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? सर यस सर। क्या बेटा? सर मैं क्या था कि रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी, बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रिफ्लेक्शन में सेम रहती है, ये देखो मैंने सेम लिखा हुआ है। सर हां बेटा, सर ऐसे तो कुछ अलग ही हो जाएगा ना कि सर जब दूसरे मीडियम में से लाइट आई तो सर वेवलेंथ चेंज होने से लाइट ऐसा हो सकता है कि रेडियो वेव हम डालें और सर माइक्रोवेव या कोई और वेव निकला है क्योंकि सर इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती है, मतलब शिफ्टिंग होती है कल, मतलब थोड़ी बहुत शिफ्टिंग होती है लेकिन इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती कि रेट, क्योंकि आप रेंज अगर देखोगे रेडियो वेव और उसमें वो बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस है, तो चेंज होती है लेकिन इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, इतना मतलब ज्यादा डेंसर मीडियम नहीं होता कोई। ठीक है क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार इस डायग्राम कर लें, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। यहाँ मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है कि म्यू टू जो है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो टू का है वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला आई जो है और ये इसको अगर मैं आर डैश लिख दूं तो ये आर डैश छोटा है आई से, आई इज ग्रेटर देन आर डैश, जानबूझ के लिखा गया है। ठीक है, बाकी जब रिफ्रेक्शन आएगा मैं सारी चीजें बताऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत मत लीजिएगा, अभी जैसे कि बेसिक डायग्राम शुरुआत में बना लीजिए। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला केस है ये मैं आपको रिफ्रेक्शन में बता दूंगा, अभी आपको बताऊंगा तो दोबारा भूल जाओगे, वहां पे एक केसेस भी आएंगे मैं उसमें समझा दूंगा, तो अभी ये वाली चीज मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बस इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है। जैसे एयर के अंदर हमें पता है कि जो वेलोसिटी लाइट की जो वेलोसिटी होती है 2×3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब जैसे जैसे ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा ये वेलोसिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि उसे ट्रैवल करने में उतनी ही दिक्कत आएगी। क्या सभी को ये चीज क्लियर है यहाँ तक? Yes. सर वैसे ये वैल्यू तो ज्यादातर हम वैक्यूम में कहते हैं ना? हाँ बेटा, एक्चुअली ये वैक्यूम में ही होती है, अगर वैक्यूम की लेते हैं तो एक्चुअली होती है 1.000 और एयर की होती है 003, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ ये वैक्यूम और एयर के लगभग सेम ही ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। नाउ yes, अब हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपने ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा, तो पहली जो लाइट रे होती है ये जो आई ये है पहली लाइट रे, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट लाइट रे। ये लाइट रे आई इस सरफेस पे टकरा गई, ये सरफेस हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, इस पे कोटिंग हो रखी है, सिल्वर कोटिंग आप लगा लीजिए, जिसकी वजह से ये जो लाइट रे है ये 99% लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, तो इसीलिए हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। 99% लाइट
रिफ्लेक्टेड, राइट। अब क्या हुआ, जो लाइट रे आई तो हमने क्या किया, हमने जब देखा तो हमने एक सरफेस ए डाला, दूसरा हमने एक डॉटेड, इसे इस डॉटेड लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल किस लिए, ये नॉर्मल है सरफेस के ऊपर, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके ऊपर ये 90 डिग्री बनाता है। आई थिंक सभी ने क्लासेस में कर लिया होगा तो मतलब इसमें ज्यादा किसी को डिफिकल्टी होगी नहीं। यस सर। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ओके। इसके बाद क्या होता है, ये नॉर्मल ये जो इंसिडेंट रे आई है, ये जो दूर जाती है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसे रिफ्लेक्टेड रे, पहली इंसिडेंट रे। अब जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, सरफेस और इंसिडेंट के बीच में नहीं कह रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दिस एंगल इज नोन एज आई, और इस आई को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें कुछ भी समझ मतलब समझने का नहीं है, लगभग याद ही करने का है। तो सारी चीजें आप ये वाली चीजें तो याद ही करिए कि ये जो एंगल आई है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो एंगल आर है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या सभी को यहां तक क्लियर है सर? हाँ बेटा। यस सर। सर पॉलिशिंग से सर डिफ्रेक्शन रुक क्यों जाता है? क्या बोल रहे हैं बेटा, पॉलिश से रुक क्यों जाता है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं करने देता, मतलब अगर ब्लॉक कर देता है एक तरीके से कहें, या अगर और डेप्थ में जाना पड़े तो क्या कहें, इसका सरफेस या अपने सरफेस को ऐसा कर लेता है कि उसको वो इसको एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट ना करके मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है। अभी तो मैं आपको यही बता पाऊंगा, अभी बार थोड़ा और सॉरी क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लेगी बेटा, ऐसे तो बहुत चीजें और चीजें हो सकती हैं, वो गर्म हो जाता है सरफेस, वो गर्म कर देगी सरफेस को, वो मतलब पार चला जाएगा, तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, हमें 99 से ज्यादा मतलब रहेगा। बाकी जो रिफ्रैक्शन आएगा तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि बाकी 1% का क्या होगा। हाँ बेटा और कोई कुछ बोल रहा था? हाँ नॉर्मल का सिग्निफिकेंस क्या होता है? नॉर्मल का सिग्निफिकेंस बस एक्चुअली हम सिर्फ एंगल मेजर करने के लिए हम उसको लेते हैं, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं। कि जो हमने क्या देखा कि सॉरी सर वो तो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। हमने एक्चुअली क्या देखा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर हम एक लाइन खींचे तो वो जो एंगल्स होते हैं दोनों बराबर होते हैं, तो उस एंगल को तो जिस लाइन के अक्रॉस वो एंगल बराबर होते हैं उसे हमने नॉर्मल कहा, और देखा तो वो सरफेस पे 90 डिग्री बनाती थी तो इसीलिए उसको हमने नॉर्मल बोला। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके तो अब मैंने क्या कहा, ये 90 डिग्री होगा, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा। अब इसमें दो इसकी लॉज होते हैं, तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन का मतलब होता है एक सिंपल, अगर हम एक आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं उसका जो एक पेज है वो पेज एक प्लेन है, उस पेज की मतलब अगर आप देखते हैं तो उसकी थिकनेस होती है, लेकिन एक प्लेन की हम कहते हैं कोई थिकनेस नहीं होती, तो एक प्लेन जस्ट एक सरफेस होगा जिस सरफेस पे आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पेज कहा या टेबल हो गया, एक ऐसा सरफेस उसको हम कहेंगे प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको वही चीज दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो जब मैंने इस वाली चीज को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे सिर्फ एक लाइन दिखेगी पतली सी, दिस इज व्हाट वी से इट्स अ प्लेन, क्योंकि अगर कोई क्यूब इसके सिर्फ टू डायमेंशन होते हैं राइट। तो अब क्या हुआ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब इसी चीज को तो मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहता हूँ इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, इसका मतलब अगर मैं इस वाले पूरे डायग्राम को रोटेट करूं तो मुझे सामने से सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, ये तीनों लाइनें एक के ऊपर एक आपस में मतलब दिखेंगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी पेज के ऊपर ये लाइन और ये लाइन खींच देता हूं और मैं इसको इस पेज को इस तरीके से पलटता हूं तो मुझे ये लाइनें नहीं दिखाई देंगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? ओके तो ये थी पहली चीज कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। इसके बाद सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं लेकिन आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग इट। तो इज इट ओके टिल नाउ, यहां तक आपको सबको क्लियर है पहली दो चीजें? सर
किसी क्वेश्चन था, कोई कुछ पूछ रहा था सर? फर्स्ट लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है सर? ये तो पता हो ना सर कि एंगल ऑफ सर ये इंसिडेंट रे और सर ये एक ही प्लेन पे होंगी, तो सर फिर इसकी जरूरत क्या थी? बेटा जरूरत की हो सकता है ना कोई कोई क्या करे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो ये ले ले नॉर्मल कह दे कि भाई सरफेस पे नॉर्मल, तो ये भी है ये वाली लाइन देखी जो मैंने अभी ड्रॉ करी है आपको ये वाली, तेरे समझ में आता है बात बता दो। मैं बता रहा हूँ अगर मैं कहता हूँ एक पेज मैंने लिया ऐसे और इस पेज के ऊपर एक मैंने पेन खड़ा कर दिया, इस पेन खड़े को मैंने एक पॉइंट की तरह बताया, अब जब मैंने इस पेज को रोटेट करूंगा तो रोटेट करूंगा तो मुझे पेज तो ऐसा दिखेगा और ये वाला जो पेन जो मैंने खड़ा किया था वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्या ये चीज समझ में आई है? ना अब अगर आप देखेंगे तो ये पेन और सरफेस के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, ये वाला भी 90 है और वैसे भी सरफेस पे 90 है, तो ये भी नॉर्मल हो गया ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे बताना पड़ा कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में एक्ट करेंगे, तो ये जो पेन है ये इस तरीके से नहीं होगा, इसके अलोंग ही होगा जैसे मैंने ऊपर बताया। सर एक बार बता दीजिए डॉट होता है वो इनसाइड द पेज रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड मतलब कमिंग आउट? डॉट बेटा कमिंग आउट, आउट कमिंग आउट, और क्रॉस क्रॉस करता है कमिंग इन, ये क्रॉस करता है कि अंदर जाने के लिए पेज के अंदर, पेज के अंदर। हाँ सर समझ में नहीं आया क्या बोला बेटा? वो कह रहे हैं कि जैसे थ्री डायमेंशन चीजें होती है ना, अब जैसे मुझे एक पेज पे थ्री डायमेंशन चीजें दिखानी है, जैसे अब मैं ये वाली चीज है अगर मैं आप अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे तो अभी आपकी स्क्रीन तो आपके फ्रंट में होगी, लेकिन अगर आप पेज पे बनाएंगे तो आप इसको नॉर्थ दिखाते हैं, इसको ईस्ट दिखाते हैं, इसको वेस्ट दिखाते हैं और इसको साउथ दिखाते हैं, क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अब आप कैसे दिखाएंगे ऊपर और नीचे, इसके अंदर तो नहीं दिखा सकते, तो वो ऊपर नीचे हाँ, तो वो दिखाने के लिए कैसे बताना पड़ेगा? तो वो दिखाने के लिए मतलब एक और तरीका निकाला गया कि अगर पॉइंट लिखा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दिखता है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, जैसे अगर आप अपने पेज के मतलब पेज पे लिख रहे हैं तो पेज से ऊपर की तरफ आपके सर की लैपटॉप की स्क्रीन से हमारी आंखों की तरफ, हाँ लैपटॉप की स्क्रीन से आपकी आंखों की तरफ अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो, और अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो लैपटॉप के दूसरे साइड अंदर की तरफ लैपटॉप के मतलब दूसरे साइड से निकल जाएगा, और अगर आप कॉपीज पे ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉपीज पे ड्रॉ करते हुए आपको समझ में आएगा कि नीचे की तरफ। तो सर लाइट का हम वे बता रहे हैं कि मतलब लाइट कहां से कहां पास हो? हाँ बिल्कुल डायरेक्शन बता रहे हैं, ये एक्चुअली तरीका है दिखाने का, डायरेक्शन दिखाने का, लाइट ही नहीं कुछ भी चीज, कुछ भी चीज दिखाने का ये तरीका है 3D में, अगर हम क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस तो 2D है, हमारे पास है तो ये 2D ही ना, तो 3D में कुछ चीजें अगर दिखानी है तो कैसे बताएं, तो ये तरीका निकाला गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पॉइंट बनाया था कि पॉइंट परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो। ओके यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? सर ये सिंपल जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा बेटा? सर वो जो लाइन नीचे वाली लाइन पे एफ टाइप का सिंबल है डेल्टा, वो अभी आ रहा हूँ बेटा उस पे आ रहा हूँ मैं, अभी पहले ये दो चीजें क्लियर हो गई सभी को? यस सर। यस सर। नाउ इसके बाद क्या है, देखो एक चीज और बोली गई कि अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये लाइट सीधी चली जाती जैसे ये जा रही है अभी ये yes, वाली सर? Yes, क्या ये सभी को समझ में आता है कि ये लाइट सीधी इस तरह से चली जाती? यस सर। यस सर। मिरर के आने की वजह से ये लाइट रे कुछ इस तरीके से इधर चली गई है, तो इसका मतलब ये एक एंगल बना, ये जस्ट अ सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एंगल एक्स्ट्रा, ये क्या है एंगल, तो ये इस एंगल को कहा गया एंगल ऑफ डेविएशन, जस्ट अ सेकंड, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है कि जितना एंगल से जो एक लाइट रे है उसका पाथ चेंज हुआ है, क्या ये सभी को समझ में आया है? पहले मीनिंग समझ में आया, वैल्यू तो मैं बोल जाऊंगा आपको। यस सर। ओके ध्यान से देखिएगा। अरे फिगर में कैसे वो एक बार समझा दो, वो रिफ्लेक्टेड रे कहां डेविएट कर रही है? बेटा रिफ्लेक्टेड रे तो ये गई ना यहां पे इधर, ये मतलब वाली रिफ्लेक्टेड रे अगर सीधी मान ले तो फिर इंसिडेंट रे मतलब कितनी होगी? अगर ये हां बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती, लेकिन अब ये है तो ये इधर चली गई, तो डेविएशन
कितना हुआ, कितनी हिली अपने पाथ से, अपने पाथ से कितना डेविएट हुई, अपने पाथ से कितना, कितने एंगल पे मुड़ गई, तो ये डेविएशन हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आप लोगों को दिखेगा कि ये टोटल एंगल क्या 180 डिग्री होता है, ये तो एंगल यस सर, यस सर, क्या इसी एंगल को हम पाई भी कहते हैं आप लोगों को अगर याद हो तो? यस सर, यस सर, आप ध्यान से देखिए, रेडियंट में कहते हैं सर, रेडियन, रेडियंस, बिल्कुल 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 रेडियंस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आई एंगल, ये और ये आर, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एंगल आई आर के बराबर है, हमने पढ़ लिया। यस सर, अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं मान लो अगर आई को मान लेता 45 तो आर भी 45 हो जाता। यस सर, ये एंगल कितना रह जाता? 45 होता आई तो आर भी 45 हो जाता, तो 45 + 45 90 होती है वाली लाइन हमारी, दोनों एंगल ये वाले, तो ये वाला कितना एंगल बचता, तो 180 - 90। यस सर, आ गया समझ, दैट इज 90। अब मैंने क्या कहा, इसका फॉर्मूला बना देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ कि एक तो टोटल एंगल तो हमें पता ही है हमेशा पाई होगा, माइनस, अब देखो एंगल आई और एंगल आर दोनों माइनस करने पड़ेंगे, तो एंगल आई माइनस एंगल आर, लेकिन मुझे पता है एंगल आई और एंगल आर बराबर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई माइनस 2i। तो दिस इज द डेविएशन फॉर अ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आई की जगह जो भी एंगल हो वो आप डाल दीजिए और ये आपका डेविएशन दे देगा। क्या ये सब क्लियर है यहाँ तक? एक सेकंड बेटा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, जस्ट अ सेकंड। सर पाई क्या है यहाँ पे? पाई बेटा रेडियंस के अंदर, इसको 180 डिग्री मान लो, इसको पाई की जगह आप अगर ऐसा कहें तो 180 डिग्री माइनस 2i। हाँ बेटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि पाई जो है, पाई रेडियन के, पाई एक रेडियन क्वांटिटी है और रेडियन, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो अब तक आपको पता होना चाहिए। यस सर पता है, छोड़ो अभी तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी मैंने बताया था, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो उनको 10th में पढ़ा होना चाहिए ना उन्होंने। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? इसमें कुछ डाउट हो तो बताएं अभी तक। यस सर, कोई कुछ कुछ कह रहा है उदय? फॉर्मूले में आई की जगह आर लिख सकते हैं। हाँ बेटा लिख सकता है, क्या फर्क पड़ेगा उससे यार, तुम कैसे डाउट पूछते हो उदय, क्या फर्क पड़ेगा, लिख सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर की जगह पूरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, नाउ आई शिल मूव फॉरवर्ड। तो आप ये वाला क्वेश्चन करें, देख लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने कितना आएगा? 50 आएगा, सभी को क्लियर है 50 डिग्री? यस सर, अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, एक बार जॉट डाउन कर लो, फिर एक बार दोबारा अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर हम पहले एक बार इसको जॉट डाउन करें, कर लिया, डायग्राम बना लें, इसको हल्के में ना लें। सर अभी जो आपने क्वेश्चन करवाया इसमें कुछ लिखने का तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, डायरेक्ट लिख दे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 50 डिग्री, या फिर कुछ शो करना होगा? नहीं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने का आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको एंगल 1 लिख सकते हो, इसको एंगल 2 लिख सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 जो है हमें 40 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में नॉर्मल, ठीक है, और इसके बाद फिर एंगल 2 हमारा आ जाएगा 50 डिग्री,
और इस एंगल टू को ही हम एंगल आई कह रहे हैं, फिर एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा थ्रू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट, और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। एमर्जेंट एंगल बेटा एक बार देखना पड़ेगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, आपने अचानक पूछा तो मुझे ध्यान आ नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, अभी मुझे ध्यान आ नहीं रहा, जस्ट अ सेकंड में देख लेता हूँ। सर रिफ्लेक्शन में होता है वो तो, मैं भी वही कह रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली अचानक ध्यान आया नहीं, जस्ट अ सेकंड। ये सर वो रिफ्रैक्शन में होता है, सर वो रिफ्रैक्शन में होता है, जब ग्लास स्लैब से भी निकल जाती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। तो जब ग्लास स्लैब बेटा इमर्जेंट एंगल, सुने सुने, अरे सुने, इमर्जेंट रे कोई भी रे हो सकती है जो किसी सोर्स में से निकल रही हो, वो सोर्स कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, ये सब इमर्जेंट रे हैं। जो बल्ब में से, जो आपके ट्यूबलाइट में से लाइट रेज निकल रही हैं, वो सब इमर्जेंट रे हैं। कर लिया नोट। ओके सर, सर नोट कर लिया, आगे बढ़िए। एक सेकंड रुकिए, सभी ने कर लिया नोट? यस सर, यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन करिए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, प्लीज फाइंड एंगल आई, एंगल आर एंड एंगल ऑफ डेविएशन। 0 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
सभी को क्लियर है ये वाली चीज, एंगल आई जीरो होगा। यस सर, यस सर, यस सर। एंगल आर भी जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल भी यहीं पे होगी। सर एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है बेटा? इमर्जेंट एक्चुअली देखो, एक तो इमर्जेंट रे, दो टाइप से हम कहते हैं इमर्जेंट को। एक्चुअली इमर्जेंट पहली चीज तो रिफ्रैक्शन में आता है। वैसे इमर्जेंट एक तो जो सन से लाइट रेज निकलती है उसे भी इमर्जेंट रेज कहते हैं। बाकी एक स्लैब बनाई होती है, एक्चुअली जो स्लैब के क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट स्लैब होगी तो जब लाइट रेज से पास होगी तो ये एक इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, और रिफ्रैक्टेड जब ये बाहर निकलेगी तो इसे इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। वो तो बाद में बात करेंगे, अभी वो तो बाद में लिखेंगे। इमर्जेंट रे जो पूछ रहे थे वो ये क्या बेटा? इमर्जेंट रे के दो मतलब है। हाँ बेटा, लेकिन जनरली जब हम लाइट पढ़ते हैं तो इमर्जेंट इसी में यूज करते हैं, जो हमारा प्लेन सरफेस होता है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रही होती है, मतलब रिफ्रैक्शन के टाइम यूज करेंगे। ठीक है सर। हाँ बेटा सर, ये एंगुलर डेविएशन का प्रैक्टिकल यूज क्या है? एंगुलर डेविएशन का प्रैक्टिकल यूज जनरली अगर हम जब हम कोई जैसे कहते हैं अभी आर टू टाइप बनाते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिकल टाइप करते हैं जिसमें हमें लाइट के रिफ्लेक्शन का यूज करना होता है, तो उसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे भी मैं अगला एक्सपेरिमेंट, अगला क्वेश्चन जो करेंगे उससे थोड़ा आपको शायद रिलेट हो। ठीक है, ओके। सभी को ये समझ में आ गया, एंगल आई जीरो है, एंगल आर जीरो है, और डेविएशन क्योंकि आई जीरो है तो 180 डिग्री हो जाएगी। यस सर, यस सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, इस वाले में अब दो मिरर्स हमारे अटैच हो रखे हैं और हमें बताना है एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसमें दो डेविएशंस होंगी, पहला एक मिरर वन की वजह से होगा, एक दूसरा मिरर टू की वजह से होगा। मैं आपको वन मिनट दे रहा हूँ, एक बार अपने हाथ से ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। सर वो क्वेश्चन क्या था बता दो, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। हाँ बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना। सर 30 आएगा, सॉरी 120 आएगा, गलत हो गया, 120 आएगा।
सर दोनों का अलग अलग होगा? हाँ बेटा दोनों का अलग अलग होगा, ऐड करना है। सर 120 120 तो पहले का आ गया, दूसरे का 240 आएगा। अरे मैं नहीं जीत 240 सर, ये सर वाला दिख नहीं रहा। यस सर 240 सर, दूसरा वाला दिख नहीं रहा। ये सर दूसरा वाला दिख नहीं रहा सर, दोनों का 120 आएगा। दोनों का 120 आएगा सर, दूसरा वाला देखिए 360 माइनस 2 थीटा होगा। दूसरा वाला दिख रहा है, अरे इमेज नहीं दिख रही, इमेज दिख नहीं रही क्या, कैसे? दोनों का 120 सर, दूसरा वाला कटा हुआ दिख रहा है सर, आपका जो वो एंगल से दिख रहा है। नहीं दिख क्या नहीं रहा आपको सर, वो सर जो कटा हुआ है, जो कटा हुआ है वो भी समझ रहे हैं कि इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो, जो ये सेकंड वाला ये नहीं है पार्ट, ये बस क्वेश्चन यही है आपका। हाँ तो सर फिर यहाँ पे तो एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री आ रहा सर, पहले का 120 और दूसरे का 180 है। पहले का 120 दूसरे का 180 ओके, दोनों का 120 सर, यहाँ तो एक ही है। चलो मैं देख लेते हैं, ध्यान से देखें तो हम सबको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ जिस सरफेस पे टकरा रही है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। फिर हम थोड़ा और इसको सर, इतने देर से यही समझ नहीं आ रहा था बच्चे दूसरा बोल किसको रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ गया होगा। हाँ सर अब आ गया। यस सर, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। एक्चुअली 60 डिग्री वाला भी थोड़ा छोटा लिया गया, कोई बात नहीं। तो अगर ये 60 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब आपके डेविएशन जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता, और अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ ये वाला, तो इसको हम कहते हैं डेविएशन 1। ये डेविएशन 1 हमारा, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ 30? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखें, अच्छा जब भी लाइट रे डालें तो एरो जरूर डालें, एरो से ध्यान रहती है चीजें कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, जरूरी है, ठीक है। अच्छा आप दूसरा देखते हैं, इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा क्या हम इसको कह सकते हैं वो नॉर्मल? थोड़ा कट कर देता हूँ ताकि ये चीजें क्लियर रहे कि भाई डॉटेड ही है, क्योंकि नॉर्मल जनरली हम डॉटेड करके ही बताते हैं। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हो गया? ये दिस एंगल 60, तो ये कितना? ये 60 तो अगेन ये कितना? 30। सभी को ये चीज क्लियर है? 30। अब यहाँ पे अगर ये लाइट है मैं इस तरीके से दिखा दूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा सर। तो हेंस डेविएशन होगी क्या, वो ये वाली हो जाएगी अब? यस सर, डेविएशन को हम कहेंगे डेविएशन 2। डेविएशन डेल्टा 2 अगेन 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ 30 व्हिच गिव्स अस 120 and it will be 240। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? सेकंड वाले सर, यस सर, क्या बोला बेटा अभी आपने? सेकंड वाला से बता दूं, ओके एक सेकंड मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूं सेकंड वाले को ताकि थोड़ा और क्लियर हो। ओके सर 240 कैसे आ गया सर, दोनों तो 120 ही आ रहे हैं। तो बेटा दोनों को ऐड करोगे ना, टोटल डेविएशन ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो बेंड हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो दो बार बेंड करा है इसलिए। हां अच्छा एक मिनट सुनिए आप सभी, पहला वाला सबको समझ में आ गया होगा आई होप? यस सर, यस सर। दूसरा एक बार मैं देखा रहा हूँ, देख ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये 30 है तो हमें समझ में आ गया था, ये वाला जो एंगल है ये येलो कलर तो दिख नहीं रहा, ये जो एंगल है ये वाला, ये 60 आएगा, ये सबको क्लियर है क्योंकि नॉर्मल डला हुआ है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। यस सर,
देन एक ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये 60 है, तो अब मैंने जब यहाँ पे नॉर्मल डाला तो ये कितना रह जाएगा? 30 डिग्री. तो क्या रिफ्लेक्शन वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा इस केस के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. तो जो डेविएशन होगी ये वाली डेविएशन डेल्टा टू नॉर्मल वहाँ आया क्या बेटा? वो नॉर्मल वहाँ पे कैसे आया बेटा? नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल होता है ना, इससे 90 डिग्री कौन सा एंगल, कौन सी लाइन होगी? ये वाला जो सरफेस है इससे 90 डिग्री बनाना है, तो कुछ ऐसी लाइन होगी ना, ये वाली ऐसी कुछ. लेकिन ये लाइन हम कहाँ डालेंगे? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे लाइट रे गिरी है. जैसे ये लाइट रे यहाँ गिरी थी, तो मैंने नॉर्मल ये रेड कलर का यहाँ पे बनाया था, ये नॉर्मल. तो जिस पॉइंट पे गिरती है उस पे नॉर्मल बनाते हैं ना. यस सर. क्लियर है ये? नहीं सर. क्लियर है. यस सर. यस सर. जिसको डाउट था. क्लियर है. ओके ओके. तो उसके बाद ये 30, ये 30, तो डेविएशन 2 क्या हो जाएगा? अगेन 30 है दोनों, तो 180 माइनस 230 ट्वाइस ऑफ 30, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा. क्या सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर. यस सर. यस सर. ये टोटल डेविएशन जो होगी हमारी, उसे हम टोटल डेविएशन को बोलेंगे. डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. दिस इज इक्वल डेल 1 प्लस डेल 2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 120 प्लस 120 व्हिच इज 240 डिग्री. तो हेंस सॉरी 120 प्लस 120 यस, उसके बाद 240. हाँ बेटा बोले सर. अगर टोटल डेविएशन किसी केस में 360 डिग्री आ रही है, तो हम उससे ये मान सकते हैं कि जो लाइट है वो डेविएट ही नहीं हुई? हाँ वो नहीं वहाँ पे आ गए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने उस बिल्कुल यही मानेंगे. लेकिन उसका मतलब फिर ये होगा कि वो वहाँ उसी चीज के अंदर घूमे जा रही है. वो लाइट रे एंटर तो हुई लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही, इसका मतलब ये भी तो होगा. अगर 360 हुआ तो इसका मतलब तो वो वैसे ही घूमे जा रही है ना उसी एक ही जगह पे, तभी तो 360 हुआ. सर ऐसा पॉसिबल है वैसे? सर फिर तो डेविएशन ही नहीं होगा फिर. जो डायमंड होते हैं ना, जो डायमंड कट होते हैं वो इसीलिए होते हैं. तो डायमंड्स के अंदर जो कट किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि लाइट रे उसमें से ज्यादा बाहर ना निकल पाए, जिसकी वजह से वो चमकते हैं. तो सर अगर लाइट रे बाहर ही नहीं निकलेगी तो हमें दिखेगा कैसे फिर डायमंड? रिफ्लेक्शन 100% तो कुछ नहीं होता ना, थोड़ी बहुत तो लाइट रे बाहर निकलती ही है बेटा. सर. हाँ बेटा बोले. सर ये लाइट रे अंदर क्यों नहीं गई वापस, बाहर क्यों चली गई? बेटा अंदर कहाँ जानी चाहिए थी? वो तो बेटा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि ये किस एंगल से टकराएगा. अगर यही एंगल थोड़ा मतलब कम होता या नॉर्मल वाला थोड़ा एंगल ज्यादा होता तो वो अंदर टकरा जाती, अंदर चली जाती. वो तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? अभी मैं आगे बताता हूँ इस चीज को, अगले क्वेश्चन में पता लग जाएगा, अगले 2-3 क्वेश्चन में. अभी पहले ये चीज क्लियर है सभी को? तभी देखें अगला क्वेश्चन. अगेन सेम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, सब कुछ सेम है, बस देखो क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में. सर एंगल चेंज है. सर एंगल चेंज है. सब 60 डिग्री हो गया. सभी को 60 डिग्री है ना? यस सर. सर 100 डिग्री है. एंगल ऑफ डेविएशन सर 100 डिग्री आ रहा है. टोटल 200 डिग्री सर. 200 आ रहा है. टोटल 200. प्रॉपर सॉल्व करें सर. टोटल 200 आ रहा है सर. 250 आ रहा है टोटल. 250 भी गलत आ रहा है बेटा, ढंग से निकालें सर. 220 आ रहा है. वो भी गलत आ रहा है, ढंग से निकालें. सर 180. सब बोल दो, एक काम करो सब बोल दो, जीरो एंगल भी बोल दो सब. 180. शांति से निकाल मत लेना तुम. 0 to 180 कोई और. 0 से 360 सर. 220 सर. आप बेटा मैं कह रहा हूँ एक बार शांति से निकाल लें, तुक्का ना मारें, बिल्कुल आराम से देख लें एक बार. पहला जवाब देना जरूरी नहीं है, सही जवाब देना जरूरी है. सर 220 ओके. 250 आ रहा है. सर 220 आ रहा है. सर 240 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 आ रहा है.
240 आएगा, चेक करेंगे सर। मैंने गलती से 240 लिख दिया। 240 आएगा, 240 चेक करें, 240 आ रहा है सभी का। यस सर 240 आ रहा है, 240 आ रहा। मैं एक बार करके बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल 40 होगा, ये एंगल भी 40 होगा, ये 40, ये 40 का एंगल 80 हो गया। तो जो पहली डेविएशन होगी वो 100 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद ये जो एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 और 60 हो जाएंगे 110, तो दिस विल बिकम 70। ये 70, तो जो नॉर्मल वाला ये वाला एंगल होगा ये 20 होगा। सिमिलरली जो दूसरा एंगल होगा ये भी 20 हो जाएगा। दिस मीन्स 180 माइनस 40, तो 140 डिग्री। तो ऐड करेंगे दोनों को तो 240। सभी को क्लियर है वाली चीज? सर से गलती से 250 लिख दिया था मैंने। यस सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप समझ में आ गया ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आ ही गया था, मतलब आप चेक कर लिया ना कहाँ गलती करी, क्योंकि ये भी एक गलती होती है। क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। एक और एंगल मैंने चेंज कर दिया, दोबारा बताएं आंसर, और प्लीज कैलकुलेट करके बताना, तुक्का मत मारना। सर 240 आएगा। सर 240। सर 240। यस सर 240। सभी का 240 आ गया। यस सर। तो सभी को आप पैटर्न दिखा, ध्यान से देखें। कोई भी क्वेश्चन हो इसके अंदर एंगल कोई भी था, हमने 60 था, 50 था, 40 था, एंगल हमेशा जो आया हमारा 240। क्या सबने ये देखा? यस सर। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ये शोर कहाँ से आ रहा है? प्रतीक कहाँ से आ रहा था? नो सर। शिवांश कहाँ से? सॉरी सर, सॉरी। कोई नहीं, ओके। चले अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन इसकी, जितनी समझ में आए कोशिश करना समझने की, वैसे नहीं तो फिर मैं तरीका बता दूंगा याद करने का। ध्यान से देखिए, अगर एक लाइट रे आई है, ये लाइट रे हमारी आ रही है इस डायरेक्शन में, ये एंगल आई है, तो क्या ये वाला भी एंगल आई होगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस वाले एंगल को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस आई। यस सर। यस सर। ओके, अगर मैंने इस एंगल को मान लिया आर, इस वाले एंगल को, तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। यस सर। 90 माइनस आर। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं बेझिझक। नो सर। 90 माइनस आई के बाद जो आपने बताया वो समझ नहीं आया बेटा। 90 माइनस आई के बाद मैंने क्या किया, जो हमारा दूसरा एंगल था, जब वो दूसरे सरफेस के साथ टकराया इस सरफेस के साथ, तो इस वाले एंगल को, ये जो ये वाला एंगल है, इसको मैंने आर ले लिया, इसको, तो इसको आर ले लिया, तो ये भी ऑटोमेटिकली आर हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा? तो अब ये आर है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर होगा। ये चीज क्लियर है? जैसे ये 90 माइनस आई थी। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। सर, ये आई इसलिए लगे दो इक्वल है क्या बेटा? दोनों को आई इसलिए लगे दोनों इक्वल है। हाँ बेटा, दोनों इक्वल होते हैं ना, एंगल रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या 180 डिग्री होते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। एंगल ए थीटा हो गया, एंगल बी 90 माइनस आर हो गया, और एंगल सी 90 माइनस आई हो गया,
और ये 180 डिग्री के बराबर, क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। क्या ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180, तो इससे कट जाएगा, क्या ये सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। तो हमारे पास बच जाएगा थ्रीटा माइनस आर माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, या फिर थ्रीटा हो जाएगा आई प्लस आर के बराबर, क्या ये सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। इसमें किसी को डाउट यहाँ तक तो बताएं पहले? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। नाउ आप ध्यान से देखना, जो पहला डेविएशन है, क्या पहले डेविएशन को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2i? यस सर, यस सर। अभी तक हमने ये किया था डेविएशन 2 को, क्या मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2r? यस सर, यस सर, यस सर। टोटल डेविएशन को क्या मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 2i माइनस 2r, लिख सकता हूँ ये चीज? यस सर, यस सर। अगर थोड़ा और देखें तो 360 डिग्री माइनस 2 कॉमन ले सकता हूँ, i प्लस r, i प्लस r। और आप ध्यान से देखेंगे i प्लस r किसके बराबर आया था अभी? थीटा। तो क्या इसको हम थीटा लिख सकता हूँ? यस सर, यस सर। क्या सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर, यस सर। सभी एक डेविएशन के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए बेटा, दोनों के लिए। ये टोटल डेविएशन आया, तो हैंस हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, टोटल डेविएशन का फॉर्मूला आ गया 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसमें से हमारा थर्ड क्वेश्चन में सेम आंसर आ रहा था, सब में सेम इसीलिए आ रहा था क्योंकि एक्चुअल डेविएशन जो थी वो दो मिरर्स के अंदर इस एंगल, जिस एंगल पे मिरर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर, यस सर, यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट यहाँ तक? सर मतलब चीज जो है वो थ्रीटा होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कितना भी हो थ्रीटा से ही डिपेंड करेगा हमेशा। हाँ, 99% केसेस में थ्रीटा पे ही डिपेंड करेगा, जब ये लाइट रे बाहर जा रही होगी, अंदर जा रही होगी तो वो चेंज हो जाएगा क्योंकि फिर वो मतलब ज्यादा बार रिफ्लेक्ट। क्या बेटा थ्रीटा क्या है? थ्रीटा बेटा दो मिरर्स के बीच में कितना एंगल है वो है, दो मिरर्स के बीच में कितना एंगल है थ्रीटा वो बता रहा है। क्लियर है ये सर? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा के इक्वल कैसे हो गया, एक बार फिर से बता बेटा। यहाँ पे ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का समझ में आता है सम 180 डिग्री होता है एंगल का? वो तो समझ में आता है। तो एंगल ए जो था वो हमने थ्रीटा ले रखा है, एंगल बी जो है हमारा ट्राइंगल के अंदर वाला 90 माइनस आर है और सी 90 माइनस सी है, सॉरी 90 माइनस आई, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा और 90 90 180 हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो जो थ्रीटा होगा वो आई प्लस आर आएगा। समझ में आ गया, अभी आप कह रहे थे ना बताना है सर, वो पहले जो स्टेप किया था वो देखा नहीं था ना। अच्छा कोई बात, अब क्लियर है सभी को? ओके, यस सर, आंसर देखिए, यस सर। अब हमने क्या देखा, थोड़ा और अगर इसको थोड़ा और देखें तो आप ध्यान से देखिए, जब ये लाइट इससे सरफेस से टकराई तो जो ये डेविएट करी ये कौन सा एंगल है, क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है? यस सर, यस सर। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज था, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर, तो यस सर। और इसमें जो सर, हाँ बेटा बोले, हेलो सर, अगर हम जैसे पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एसी पे ले रहे हैं, अगर सर एबी पे लेंगे तो? हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी उसी के बारे में भी चीजें आ रही हैं, अभी धीरे धीरे सुन तो सही बस, ठीक है? ओके, तो मैंने क्या कहा कि डेविएशन जो आया हमारा 360 माइनस 2 थ्रीटा आया, तो मैंने जब इसको देखा तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो हमारा 240 डिग्री आया, ये जो 240 है ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर, ये जो हमारा ये 240 डिग्री आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया था जो अभी पीछे हमने किया, और यहाँ पे भी इस वाली डेरिवेशन में जो हमने किया डेविएशन, दैट आल्सो कम्स 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, दैट इज इक्वलेंट टू व्हाटएवर डेविएशन कम्स, बट ये वाली डेविएशन भी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। अब इसी चीज को अगर मैं ध्यान से देखो, अभी मैंने कौन सा एंगल लिया है कि ये लाइट रे यहाँ से इधर आ रही थी और मैंने क्या किया, ये पूरा एंगल, एक सेकंड रुकना सर। हाँ बेटा बोले सर, उस टाइम वॉइस ब्रेक हो गई थी सर, कोई नहीं। जैसे हम यहाँ पे
एसी पे एसी पे ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर सर हम मैं भी बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं एसी पे, मैं यही बता रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं उस चीज पे अभी, पर सुने तो सही चीज। तो मैंने क्या कहा अभी, जो डेविएशन ये वाली डेविएशन आई वो आई आपकी 360 माइनस 23 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या ये ले रहे? तो मैं आपकी आवाज कट गई थी। ओके अभी आ रही है सभी को? यस सर। कोई नहीं, ठीक है ठीक है, ध्यान सुने। मैंने क्या कहा, ये जो डेविएशन हमारा निकला, ये निकला 360 डिग्री माइनस 23। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिपिक्ट करता हूँ इस डायग्राम के अंदर, तो ये जो रेड कलर की लाइन मैंने यहाँ बनाई है, ये वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल है ना। हमें पता है किसी पॉइंट के अक्रॉस जब मैं पूरी घूमता हूँ तो क्या 360 रह जाता है, वो एंगल 360 होता है, ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसका अगर ये 360 माइनस 23 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्या इसको मैं कह सकता हूँ 23? यस सर। यस सर। तो अब डेविएशन को बताने के लिए या तो मैं लिखूं 360 माइनस 23 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या मैं नहीं तो मैं दूसरी चीज क्या लिख सकता हूं, 23 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं आई। ध्यान से सुने, तो बता रहा हूं मैंने इस पॉइंट को सेंटर मान लिया, लाइट रे देखिए, इंसिडेंट लाइट रे हमारी ये जा रही है इधर इस डायरेक्शन में, और जो हमारी बाद में रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे जा रही है वो यहां जा रही है। तो जो मैंने डेविएशन निकाला वो मैंने ये वाला एंगल निकाला है, जिसको मैंने लिखा 360 डिग्री माइनस 23। क्या ये सभी को यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ओके। नो सर। अब ध्यान से देखें, ये जो लाइट रे है जो ये गई, इसको मैंने क्या कहा, या तो मैंने कहा 360 डिग्री माइनस 23 लिख दूं, या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या कहा कि एक पॉइंट के अक्रॉस, ये गायब हो जाता है जस्ट अ सेकंड, एक अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो उसके आसपास जो एंगल होता है टोटल वो 360 डिग्री होता है। ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मेरा ये वाला पार्ट है 360 डिग्री माइनस 23, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, ये 23 ही तो होगा, तभी तो बाकी बचा हुआ 360 माइनस 23 हुआ है। यस सर। यस सर। क्या ये सभी को क्लियर? तो मैंने इसीलिए इस वाले पार्ट को 23 बोला। तो मैं इस डेविएशन को दो तरीके से बता सकता हूँ, या तो मैं कहूँ कि 360 माइनस 23 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर 23 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या ये चीज सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर। यस सर। यस सर। सभी को समझ में आई है? सर। ओके। अब इसी चीज, हाँ बोले बेटा। मतलब सर, जहां से वो रे निकल गया, अगर वहां से वो रे, हाँ मेरा ही डाउट है, अगर जहां से रे निकल रही, अगर उसकी तरफ से रे अंदर जाती तो हमसे 23 डायरेक्ट करते। नहीं, ये चीज क्लियर नहीं हुई, क्या बोला अभी आपने, जहां से रे निकल रही है? जैसे सर जो रिफ्लेक्टेड है, जो एकदम लास्ट में जो रे, अब लास्ट में जो इस तरफ आ रही है, ये वाली है, ये वाली अगर सर यहाँ से हम लोग रे अंदर ले जाते, मतलब इधर से इंसिडेंट रे, इधर ये इंसिडेंट रे बन जाती, तो फिर फॉर्मूला 23 हो जाता। नहीं नहीं, ये अभी भी 23 होगा। इसी लाइट रे, देखो ये लाइट रे इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, इन दोनों इसी एक ही एंगल को मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुने, एक मिनट, सभी एक मिनट ध्यान से सुन लें। अच्छा सर, आगे एक मिनट सुने। ये है 200 और ये है फॉर एग्जांपल 160 डिग्री। तो या तो मैं कह दूं कि भाई बी को 200 डिग्री मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर 160 डिग्री मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या बात तो सेम ही है? पर सर वैल्यूज अलग अलग हो गई। अरे बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो है ना, बात मतलब तो सेम ही है ना, वैल्यूज अलग आ रही है, दैट्स अ यस सर, मतलब सेम ही हो रही है कि जा कहां रहा है, वो बात तो एक ही जगह बता रहा है ना सर। इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी वेरीफाई कर सकते हैं बेटा, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अभी बेसिक सर्कुलर लगा लें, वही बहुत है अभी। एक मिनट रुक जाओ, क्या ये सबको समझ में आया या नहीं आया?
कि भाई या तो मैं सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। आप ध्यान से सुनिएगा, अगेन मैं वापस से इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें जो इंसिडेंट राइट रे है वो जो इंसिडेंट एक सेकेंड चलना फिर बंद हो गया, तो जो इंसिडेंट लाइट रे है वो इस नीचे वाले सरफेस पे टकराई पहले, तो हमने देखा लाइट रे पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, तो ये जो डेविएशन आएगा ये ज्यादा बड़ा आएगा, तो जो बड़ा वाला एंगल आएगा डेविएशन का, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या 360 माइनस 2 थीटा। थीटा हमने देख लिया 60 डिग्री, तो हम कह सकते हैं 360 माइनस 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। या फिर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि अच्छा भाई क्लॉकवाइज में बड़ा एंगल था तो मैंने इस तरह से बता दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्ट सिर्फ मैं 2 थीटा कर दूं तो आंसर आ जाएगा, तो हेंस मैं लिख सकता हूं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। डाउट किसको था? जो ये सर परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ, पहले जो डिराइव किया उसको समझा रहा हूँ कैसे निकालना है, ठीक है? अभी आ रहा हूँ उस चीज को। अब दोबारा अब आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो अभी आप उत्कर्ष पूछ रहे हो, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या कहा बेटा, अब आ जाओ इस पे, अब ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा, लाइट रे जो पहली लाइट टकरा रही है, नया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखें, ये लाइट रे पहले ये ए बी सरफेस, ये वाला सरफेस है ए बी, तो इस पे टकरा रही है, क्या सभी को दिख रहा है? यस सर। तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, लाइट रे का ये डेविएशन बड़ा वाला पार्ट ये हो गया, इसके बाद ये लाइट रे इधर जाती तो ये बड़ा डेविएशन, तो क्या दोनों बड़े डेविएशन है? तो बड़े डेविएशन क्या देते हैं? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, जो भी बताया था, क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। तो आप इसको बड़े डेविएशन और छोटे डेविएशन से ध्यान रख लेना। तो अब ये वाला कौन सा, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं आप सब? यस सर। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन फॉर्मूला मैंने 360 माइनस 2 थीटा लगाया है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इंसिडेंट कौन से सरफेस पे है, जो भी बच्चे यही पूछ रहे थे कि भाई दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, तो ये वाली चीज होनी है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ा डेविएशन कौन सा है, और उसके हिसाब से फिर हम बताएंगे। अभी मैं वापस उसी क्वेश्चन पे दोबारा वही चीज समझा दूंगा। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा डेविएशन ध्यान से देखिए, ये वाला होगा, तो ये जो एंटी, ये वाला जो डेविएशन होगा दैट इज इन कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो 2 थीटा हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज। तो आंसर अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहूंगा, क्या डायरेक्टली कह सकता हूँ 100 डिग्री? हाँ बेटा बोले। छोटे वाला डेविएशन बताना, कौन से वाला होगा? छोटा वाला बेटा 2 थीटा होगा ना, जो इसके अपोजिट वाला होगा। देखो लाइट रे यहाँ से आई है और ये चली, एक सेकंड रुके, जो टोटल डेविएशन अभी मैंने निकाला है वो ये वाला निकाला है, ये वाला जो रेड कलर से मैंने अभी किया, ये हो गया बड़ा डेविएशन, तो छोटा डेविएशन हमारा यही तो होगा, ये वाला, ठीक है? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। नहीं आया किसको? सर हाँ, माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज नहीं होगा? नहीं बेटा, वो क्लॉकवाइज, वो मैंने वो सरफेस के ऊपर बताया था इसलिए था, वो सिर्फ उस सरफेस के लिए वैलिड है, मैंने इसीलिए बताया कि ये देखो, ये सरफेस देखो, पहले ये इस सरफेस पे टकराया था, अगर ये इस सरफेस पे टकराता तो फिर दूसरे ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैलिड हो जाता, तो मैंने इसीलिए बताया, एक होगा बड़ा डेविएशन, एक होगा छोटा डेविएशन, तो जो बड़ा डेविएशन होगा वो उसके रिस्पेक्ट में देखना, उसको उस तरीके से देखना, ठीक है? अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूं और वापस से इनको क्वेश्चंस को दोबारा एक बार ट्राई कि कौन डेविएशन ज्यादा छोटा है। बेटा वो अभी देखने से पता लग जाएगा, इस वाले क्वेश्चन को एक बार जॉट डाउन कर लो आप, ये इंसिडेंट रे है, ये ध्यान रखना, ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये वाली पार्ट, और ये रिफ्रेक्टेड। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको कंफर्म क्लियर होगा, नहीं होगा तो वापस से इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना, सारे होंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बोले बेटा। सर डेरिवेशन नोट करिए एक बार, वहां पे लगा दे। डेरिवेशन बेटा मैं अभी थोड़ी देर में नोट करवा दूंगा, पहले एक बार डेरिवेशन अभी तक की क्यों नहीं थी मैंने? सर एक मिनट, सर एक मिनट, यही छोड़ दो अभी, डेरिवेशन कर लिया, थोड़ी देर यहीं पे छोड़ दो। नहीं बेटा वो आपने कर ली ना, उसने नहीं करी, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, रुक जाओ।
एक मिनट वही कर रहा हूँ बेटा, दिख रही होगी डेरिवेशन अभी? यस सर, दिख रही है। यस सर, ठीक है, जॉट डाउन कर लीजिए। अगर सर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन सर एमसीक्यूज में आया और सर दोनों ऑप्शन है तो हम क्लॉकवाइज ही लिखेंगे ना? नहीं बेटा, दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोनों होंगे, एक ही होगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा? नहीं, एक ही होगा जनरली। हाँ, एक ही आएगा, जो भी आएगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आएगा एक ही। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आएंगे, तो उससे बेफिक्र रहना, बस थोड़ा ध्यान रखना कि वो एक तो देख के करना। सर, अगर पहले से स्पेसिफाई किया होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तब? हाँ, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो देखना अपने आप कि कौन सा आएगा। या फिर इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अगर रिफ्लेक्ट होके, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो क्लॉक, मतलब अपने आप क्लॉकवाइज अपने आप जिस भी डायरेक्शन में घूम रही है, तो उस एंगल को हम लेंगे 240 360 माइनस 3 2 थीटा। मतलब अगर देखो इस वाले सरफेस पे लगी तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि वो ऐसे घूमने वाली है। सभी को सुनाई दे रहा है? यस सर। यस, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नीचे वाले मिरर पे टकराई है और दूसरे पे टकराएगी ऐसे जाके, तो मुझे पता है कि डेविएशन ऐसे होनी है, तो ये डेविएशन, ये मतलब जो एक्चुअल डेविएशन हो रही है उसको हम बताते हैं 360 माइनस 2 थीटा से। तो अगर ये वाली हमारी है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वहीं इस वाले के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे इधर आ रही है और जा इधर रही है, तो जो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो रही है जिस एंगल पे, उसको हम लेते हैं 360 माइनस 2 थीटा, और उसके ऑपोजिट वाले को हम लेते हैं 2 थीटा। उसको ये चीज थोड़ी ज्यादा क्लियर हुई अभी? यस सर। यस सर। मतलब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस से देखना है। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस से देखना है, राइट। सर, ये एक बार फिर से बता दो। क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर देखो, मैंने इस वाले केस में क्या बोला अभी, एक सेकंड रुके, मैंने क्या बोला, एक मिनट मिटा लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, मैं क्या कह रहा था बेटा कि हमारे पास एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। अब पहले मिरर से टकराई कौन से? अगर इससे टकराएगी तो लाइट रे ऐसे ऐसे घूमेगी। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। और अगर मेरी लाइट रे पहले इससे टकराएगी तो हमें पता है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे घूमने वाली है। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो जैसे मुझे देख के पता लग गया किस एंगल पे घूमेगी, जैसे इस वाले केस में क्लॉकवाइज घूमेगी, इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, लेकिन दोनों के अंदर जो एक्चुअल में घूम रही है जिस डायरेक्शन में, उसके लिए लिखेंगे 360 माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये इससे टकराई तो इधर ही जाएगी, नीचे से टकराई तो ये ऊपर ही जाएगी, तो ये एक्चुअल डेविएशन जो हो रही है और जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके ऑपोजिट लेंगे तो डायरेक्टली 2 थीटा आ जाएगा। अभी क्लियर है? 360 माइनस 2 थीटा। सर, अगर क्वेश्चन आएगा, अभी अगला अगला आ रहा है, एक बार दोबारा देखना। यहाँ तक अभी जितना समझ में आया ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके देखना। लिख लिया सभी ने ये चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। इस वाले क्वेश्चन को देख के बताओ कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज? कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज है ये, समझ में आए सभी को? यस सर। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 80 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? यस सर। ये समझ में आया सभी को या नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया सभी को। इसमें अभी भी किसी को डाउट हो तो बताए। राइट, आखिरकार आप ये चीजें समझ गए, भगवान भला करे तुम्हारा। ओके, और सर जो 360 माइनस 360 माइनस 80 होगा वो क्लॉकवाइज के लिए होगा ना वो? तो हाँ, ओके सर, ओके, ठीक है ना। और सर अगर क्वेश्चन में आएगा फाइंड द डेविएशन, जो क्लॉकवाइज फाइंड करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? बेटा मैंने फिर बताया, दोनों फाइंड आउट करना, आंसर में मैच करना, जो दे रखा होगा उसे टिक करना। दोनों नहीं आएंगी, एक ही आएगी।
सर ये बोर्ड में नहीं आ सकता क्या? नहीं ये बोर्ड में नहीं आएगा। ओके सर, ये ओलंपियाड्स के लेवल का है, क्या सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ओके यस सर। अब एक सेकंड रुके, मैंने और कुछ इस क्लास के लिए, और एक सेकंड रुकेगा। ओके तो यहाँ तक हमारा बेसिक, मतलब इस वाले केस के अंदर जो हमारा डेविएशन था ये कंप्लीट हुआ है आज। मुझे लगा था आज बहुत चीजें कराएंगे, आप लोगों ने पूरा डेविएशन में निकाल दिया, कोई बात नहीं। क्या डेविएशन सबको क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। ओके नाउ आप ध्यान से देखना इसका अगला टॉपिक। जस्ट अ सेकेंड, पेज पलट रहा है। ओके नाउ इसी डेविएशन के अंदर जब इस वाले एक प्लेन मिरर को जब मैं रोटेट करूंगा तो डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। डेविएशन पे नहीं, एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा थोड़ा उस तरीके से, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो। यस सर। ओके ओके ओके, ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये जो ये सरफेस मेरा ये वाला सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है मेरे पास, और ये हमारी इंसिडेंट रे है। यस सर। तो जो इंसिडेंट रे है जैसे आएगी क्या वैसे ही चली जाएगी क्या, ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो पहले बताएं। नो सर। रिपीट करूं, मैंने क्या कहा, जो मैंने रेड कलर मार्क किया है इसको मैं मान लेता हूँ ए सरफेस है। इस ए सरफेस पे लाइट रे आई वन, ये वन लाइट रे जब इस पे टकराई तो ये एज इट इज वापस चली जाएगी, क्या ये सभी को समझ में आता है? यस सर। ओके। यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताएं। ओके इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने इस सरफेस को ही रोटेट कर दिया थीटा डिग्री पे, इस सरफेस को रोटेट कर दिया तो जो डेविएशन होगी, जो लाइट रे की डेविएशन होगी वो कितनी होगी? थीटा एंगल। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस प्लेन को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया तो ये मेरा प्लेन हो गया ये वाला। अब लाइट रे आई, अब जब देखो मैंने जब मेरा ये ए प्लेन था तो जो मेरा नॉर्मल था वो इसी वन के ऊपर ही था, क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। लेकिन जब मेरा प्लेन ये वाला मैंने चेंज कर लिया, अब ये बी हो गया तो जो मेरा नॉर्मल है अब वो ये बी एन हो जाएगा, क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। एन बी लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, नॉर्मल फॉर बी सरफेस। इसमें कोई डाउट? नो सर। हम एंगल मेजर करते हैं वो थीटा से, मतलब नॉर्मल से करते हैं, लाइट रे वापस से वही है जो वन पे आ रही है, लेकिन जो वन पे आ रही है अब जो है वो क्या अब वो डेविएट, क्योंकि अब इसका नॉर्मल से एंगल थीटा है तो ये भी अब नॉर्मल से डेविएट हो जाएगी और थीटा और डेविएट हो जाएगी, क्या ये सबको समझ में आता है? Yes, ये वन जो आ रही है अब ये टू यहाँ पे चली जाएगी, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले, yes, sir. पहले जो लाइट रे जैसी आ रही थी वैसे की वैसी 180 डिग्री पे जा रही थी, अगर मैंने जिसे कहते हैं प्लेन को थीटा मूव किया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो लाइट रे है वो टू थीटा मूव हो गई? यस सर। यस सर। क्या ये सबको समझ में आता है? इसमें कोई डाउट है तो बताएं अभी तक। Okay. हम ये कहेंगे ना कि रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा डेविएट हो गई, जो दो जो पहले जो लाइट रे थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी और जो अब नई जो दूसरी लाइट रे आ रही है जो अभी यहाँ जा रही है, इन दोनों के बीच में जो डेविएशन है वो टू थीटा है। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से एक बार लिख लें लाइन, इफ वी रोटेट मिरर बाय थीटा एंगल, इफ वी रोटेट मिरर बाय थीटा एंगल देन द रिफ्लेक्टेड रेज, देन द रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रेज की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टेड वन और टू, मतलब वन आई तो वन एज इट इज चली जाएगी तो वन डैश ले सकते हो उसको, देन द रिफ्लेक्टेड रेज वुड रोटेट
when the reflected ray would rotate by 2 theta in the same direction or in the same sense keh sakte hain same direction. जैसे मैंने देखिए इसको जो रोटेट किया तो ये मैंने क्लॉकवाइज किया तो ये जो 2 theta डेविएशन हुई है ये भी क्लॉकवाइज ही हुई है. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? तो ये दोनों चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट यही सवाल आएगा बस कि अगर मैं प्लेन मिरर को डेविएट करूंगा तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से डेविएट होगी. दैट्स इट. यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 2 theta. ओके सर. क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ओके. अब इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मैंने कहा ये एक लाइट रे है, ये एक हमारे पास डायग्राम है. क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा. ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई. दिस इज आर इंसिडेंट रे, दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे. क्वेश्चन है कि बाय व्हाट एंगल शुड मिरर बी रोटेटेड सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल. सर एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा सर. ओके देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं. अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और ध्यान से देखूं, मैं बना ही लेता हूं, एक काम करता हूं, एक डायग्राम. तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी एक, दूसरी लाइन हमारी यहां पे ये आई, एक ये चली गई, ये एक हो गई हमारी. हमने क्या कहा, ये एंगल 30 है. जस्ट अ सेकेंड. हमने क्या कहा, ये एंगल हमारा 30 है. अगर ये 30 है तो सबको ये चीज तो समझ में आती है, ये 60 डिग्री है. 60. यस सर. यस सर. इसका मतलब अगर मुझे इस लाइट रे को, ये जो इधर जा रही है, इसको मुझे 60 डिग्री रोटेट करना है तो क्या इस प्लेन मिरर को मुझे कितना रोटेट करना चाहिए? 30 डिग्री. इस प्लेन मिरर को कितना? 30. क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको 30 रोटेट कर दूंगा यहाँ पे तो ये लाइट रे 60 डिग्री से रोटेट होके पैरेलल हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? यस सर. यस सर. तो ये तो हो गया हमारा पहला केस. सर नहीं समझ आया. नहीं आया सर. सर नहीं आया. नहीं आया. ओके ओके. अभी जो बेटा अभी हमने पीछे वाले केस में किया, इस वाले केस में मैंने क्या देखा कि अगर मुझे एक लाइट रे को रिफ्लेक्ट करना है, इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते. देखो इस वाले केस से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मुझे, अगर मैंने प्लेन मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 theta मूव किया तो जो लाइट रिफ्लेक्टेड राइट रे है वो भी 2 theta मूव होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्या ये चीज क्लियर है बेटा आपको? यस सर. अब इसको उल्टे तरीके से देखो. उल्टे तरीके से क्या कि अगर मुझे इसको 2 theta से डेविएट करना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मुझे इस मिरर को 3 theta डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो ये 2 theta डेविएट हो जाएगा. क्या ये चीज सबको समझ में आती है या दो बच्चों को जिनको समझ में नहीं आया? आ गया. अब इस वाले क्वेश्चन को वापस देखो. मुझे लाइट रे को 60 डिग्री बेंड करना है. सर एक चीज पूछना है. एक मिनट. मुझे लाइट को 60 डिग्री बेंड करना है तो क्या मुझे इस वाले प्लेन मिरर को 30 डिग्री बेंड करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है, आंसर आ जाएगा. हाँ बेटा आप पूछो, आप क्या पूछ रहे थे पहले? सर आ गया. ओके सर एक बार जो साइड में डायग्राम है वो दिखा दो. हाँ साइड वाला, ये वाला, ये बना लेना बेटा, ये बना लेना, नहीं तो ऐसा नहीं मिलेगा. अगर कहीं और किसी और बुक में भी देखोगे अच्छी में तो थोड़ा डिफिकल्ट सा मिलता है, तो प्लीज मेक श्योर आप ये डायग्राम बना लें. क्वेश्चन भी दिखा दीजिए. क्वेश्चन
अच्छा एक मिनट और सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम रहेगा एंगल ऑफ या फिर वो नहीं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना इसमें तो हम बात कर रहे हैं कि डेविएट कितना होना चाहिए इसमें तो हम डेविएशन की बात कर रहे हैं 30 आंसर है ना 60 नहीं है हां बेटा नहीं इसमें अभी रुक जाओ इसमें दोनों आंसर है 30 भी है 60 भी है डायरेक्शन सर हां 30 के लिए तो अभी मैंने बताया ना क्लॉकवाइज 60 वाली अभी मैं बताऊंगा वैसे एंटी क्लॉकवाइज एक बच्चे ने बताई थी शायद आपने ही बताई थी यस सर मैंने ही बताया था हां तो 60 वो 60 दूसरा होगा वो भी मैं बताता हूं सभी का हो गया यस सर यस सर हो गया सभी का यस सर यस सर ध्यान से देखिएगा अब वापस से इस स्लाइड रे को दोबारा देखिए ध्यान से देखें इसको अगर मैं देखो इस हॉरिजॉन्टल करना है अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि ये भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है एक सेकंड हॉरिजॉन्टल तो ये भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन भी हो सकती है क्या ये दोनों सबको समझ में आती है यस सर यस सर यस सर अब हमने ये राइट वाला तो देख लिया अब लेफ्ट वाले के लिए ध्यान से देखें अगर मैं लेफ्ट वाले को देखता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये टोटल एंगल 120 डिग्री होगा यस सर यस सर इस लाइट रे को अगर मुझे 120 डिग्री से मूव करना है तो मुझे मिरर को रोटेट करना पड़ेगा लाइट रे 220 डिग्री रोटेट करनी है तो मिरर को कितना करना पड़ेगा 60 डिग्री और कौन सी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ये चीज सबको समझ में आई है सर एक बात पूछनी है तो बेटा बोले बोले सर जब हमें रिफ्रैक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना है तो हम लेफ्ट कैसे लेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे को मैं एक मिनट रुको रिफ्लेक्टेड रे को मुझे हॉरिजॉन्टल करना है लेकिन हॉरिजॉन्टल कौन सी डायरेक्शन में कर रही पहले तो हमने राइट में तो कर लिया ना अब मुझे लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल करना है तो एक्चुअल में होगा क्या मैं आप वो चीज नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली होगा क्या ध्यान से सुनना एक्चुअली होगा ये कि जो प्लेन होगा हमारा ये जो प्लेन है ये 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसे ये प्लेन बन जाएगा इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ये वाला एक मिनट रुक जाए ये प्लेन हो गया जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा होगा इसका नॉर्मल तो जब नॉर्मल ये हो गया तो ये एंगल जो है ये थ्रीटा रह जाएगा ये एंगल थ्रीटा रह जाएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 हो गया तो 30-30 ये आपस में प्लेन हो गया ये समझ में आया बेटा विजुअलाइज कर पाए ये वाली चीज यस सर और जब यहाँ पे देखा तो ये 120 डिग्री था तो 60 डिग्री रोटेट कर दिया मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बेटा बोले सर जब हम 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ठीक है तो फिर सर ये जो इंसिडेंट रे है ये तो 90 डिग्री मतलब एकदम राइट एंगल पे हो जाएगा प्लेन नहीं, से नहीं देखो देखो अभी नहीं, नहीं होगा नहीं मैं बता रहा हूँ एक बार देखें एक बार अभी जो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है ये 30 डिग्री जब मैंने मिरर को रोटेट किया तो नॉर्मल भी तो साथ के साथ रोटेट होगा 60 डिग्री आया समझ में या नहीं यस सर सर वो वैल्यू कम हो जाएगी वो 15 हो जाएगी इंसिडेंट रे की वैल्यू शायद नहीं नहीं 30 रहेगी भाई 30 रहेगी सर हाँ सर हमने जब मिरर को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो नॉर्मल क्लॉकवाइज मूव नॉर्मल भी तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा ना ठीक है दिख गया दिख क्लियर है ये सभी को यस सर यस सर यस सर आई थिंक आज यस सर आज की क्लास अभी ओवर करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन हमने पूरा कर लिया है डेविएशन से रिलेटेड मैक्सिमम ये सबसे डिफिकल्ट नहीं ये वाला टॉपिक खत्म हो गया ये वाला टॉपिक डेविएशन से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो गया
अगली बार हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, अभी तो हमने लाइट को डेविएट किया है, अब अगली क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। ओके सर। इसके ऊपर आगे बढ़े अभी बेटा, कल शाम तक हो जाएगी, कल शाम तक हो जाएगी। ओके, इसका मॉड्यूल अपलोड करवा देना। हां बेटा हो जाएगा, वो तो वैसे भी हो जाएगा, बाकी मैं बोल दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। बाय सर, गुड इवनिंग फॉर टुनाइट। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर हां बेटा बोले, कौन बोल रहा है? सर फेस टेस्ट में डाउट था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या डाउट था? क्वेश्चन 1 था क्या बेटा? सर उसमें आयरन का वो दिया हुआ था, 56, 28, 56 ऐसा करके कुछ। हाँ यस सर, तो उसमें हमें नंबर ऑफ चार्जेस बताने थे 75 केजी उस आयरन में, तो सर वो कैसे निकालते हैं एक बार बता दो। वो गलत क्वेश्चन सर ये बोल रहा है सर, वो दो क्वेश्चन को मिक्स कर रहा है सर। पहला एक क्वेश्चन था कि Fi न्यूक्लियाई में कितने वो एटम होंगे और 75 केजी इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होगा, वो अलग क्वेश्चन है। यस सर, दोनों डिफरेंट है। मुझे भी यही लगा था क्योंकि यस सर। बेटा समझ में आया क्या बोल रहा है? क्या बोला बच्चों ने? नहीं आया बेटा। एक्चुअली आप ना दो क्वेश्चन को मिला रहे हो। एक क्वेश्चन था कि 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होगा, ये पूछा था ना? यस सर, यही पूछा था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? जब 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मुझे चार्ज बताना था, तो मुझे पता है पहले तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, पहले वो पता होना चाहिए। तो कितना मास होता है? 9.1 × 10⁻³⁻¹ किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन के मास में कितना चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो 1 किलोग्राम में कितना होगा? तो 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 9.1 × 10⁻³⁹। ये चीज समझ में आई है बेटा? बेटा चले गए क्या? समझ में आया आपको? डिवाइड कैसे किया? अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस चीज को दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करो। अच्छा अगर कोई तुमसे कहे 400 किलोग्राम एप्पल तुमने लिए और उसके अंदर 1000 एप्पल्स आए, 2000 एप्पल्स आए, 2000 एप्पल्स आए, तो 1 किलोग्राम एप्पल के अंदर कितने एप्पल्स आए होंगे? सर 5000। बेटा उसको बच्चे को बोलने दो ना, आप लोगों को समझ में आ गया है ना? यस सर समझ आ गया। 5000 एप्पल होंगे ना? यस सर। तो ये भी, ये भी यहाँ पे भी यही किया है। क्लियर है? Yes, तो अब क्या हुआ उसके बाद करेंगे 75 किलोग्राम में, भाई इसी को हिसाब से ले तो 75 किलोग्राम में कितने एप्पल आएंगे? तो इसने पूछा 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होगा, तो इसके अंदर 75 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ओके सर। और ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन वो आयरन के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बताना था, तो आयरन का न्यूक्लियस जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 28 था, में दे भी रखा था सर, 26 जो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो 26 होंगे। तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 26 का होगा 26 × 10⁻¹⁹, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 26। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Okay. चलो आज की क्लास ओवर करें फिर बेटा। सर एक डाउट। हाँ बेटा बोले। सर जैसे एक फॉर्मूला होता है m जो एक्चुअल मास इज इक्वल टू m नॉट रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन जो c स्क्वायर होता है, तो सर एक मिनट रुक जा। सर वो वाला एक क्वेश्चन है सर जिसमें बोलते हैं कि मास कम हो जाता है अगर हम वेलोसिटी से मूव करते हैं। ज्यादा हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। अगर हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर अगर इन एनी केस हो गई तो मैम ने कहा कि उससे ज्यादा कभी पॉसिबल नहीं है, तो सर मैंने मैम को ना फोटो भेजी सर एक चेरेंकोव रेडिएशन करके, तो उसमें दे रखा था कि सर जैसे जो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उससे पर्टिकुलरली, तो उसमें दे रखा था कि वो
फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो मैम ने कहा वो सिर्फ एक नहीं नहीं क्या 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 जो फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी उस मीडियम में जब मैंने उसको सर्च करा उस मीडियम उससे ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो मैंने मैम को जब वो भेजा, मैम ने कहा ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, तो सर ऐसा वो एक हाइपोथेसिस है सर। यस सर, मैंने भी बोला था, तो मुझे भी मैम ने वही चीज बोली थी। बेटा वैसे अगर मैंने वो हाइपोथेसिस पढ़ी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही कह रही है, क्योंकि किसी भी मीडियम में लाइट की से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती है। तो अभी करंट सिचुएशन में सर एक आर्टिकल करंट भी पढ़ा था मैंने, दैट गैलेक्सीज आर एक्सपैंडिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो सर ये कैसे पॉसिबल? एक्चुअली नहीं, वो हो सकता है बेटा, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है बेटा, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो अलग है, वो एक्चुअली समझने की बात पे है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जितना भी स्पेस है, मतलब तुम हो गए, मैं हो गया, पूरी अर्थ हो गई, एक्चुअली अर्थ भी एक स्पेस में है ना, तो वो स्पेस इटसेल्फ एक्सपेंड कर रहा है। ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब इसको इस तरह से सोच कि एक तो स्पेस है बहुत बड़ा, अब 10 to 15 billion मतलब लाइट ईयर्स, बिलियन लाइट ईयर्स के आसपास कहते हैं ये कि कितने 15 बिलियन लाइट ईयर्स का तक तो अभी हमें पता है। अब इसको ऐसा लगा 15 बिलियन लाइट ईयर्स का एक सर्कल बना और वो एक्सपैंड करेगा जब, तो उसका जो एक पॉइंट है दूसरे पॉइंट से जब वो एक्सपैंड करेगा तो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी करेगा ना। यस सर। क्योंकि वो पूरा एक्सपैंड कर रहा है, समझ रही है? यस सर। तो वो वाली चीज अलग चीज है, वो पूरी चीज अलग है। और इसको दूसरे तरीके से भी समझ कि लाइट जो है वो स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है, तो स्पेस लाइट से ज्यादा ट्रेवल कर सकता है एक्सपेंड, लेकिन लाइट उस स्पीड ऑफ लाइट को वो नहीं कर सकती, क्योंकि जो स्पेस है वो ज्यादा बड़ी चीज है लाइट से। यस सर, अब समझ गया। थैंक यू सर। क्योंकि जब बिग बैंग भी हुई थी ना, तो उसमें जो स्पेस बड़ा था ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से बड़ा था, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी उसकी उस टाइम। सर एक्चुअली मैंने अपनी मैम से ये चीज बोली थी, उन्होंने बोला था ऐसा हमें फील होता है पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता। कैसा मतलब? मतलब हमें ऐसा फील होता है कि हमारा वेट, मतलब मास थोड़ा कम हो गया है, बट मतलब बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं होता। नहीं बेटा, एक्चुअल में होता है, ये बढ़ता है वेट सर। वो तो हमारी वेलोसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हमारी वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। नहीं तो हमने तो हमने ना कुछ ऐसे स्टार्स देखे हैं जो लाइट से 1/3 या 1/3। मैं सर मैं कह रहा था कि मेरी मैम को जब मैंने ये चीज बोला था, उन्होंने बोला कि हमें ऐसा फील होता है लेकिन ऐसा एक्चुअली मास हमारा नहीं बढ़ता, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं आपको क्या फील होता है कि आपको तो आप तो ये कह रहे हो ना, मुझे ऐसा फील होता है कि हल्के हो गए हम। नहीं सर, मुझे फील नहीं होता। अच्छा, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। नहीं वो तो नहीं होना भी चाहिए, वो एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारा मास बढ़ता है। मैम क्या कह रही थी आपकी मैम? मैम कह रही थी ऐसा हमें लगता है कि हमारा मास थोड़ा बढ़ गया है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। नहीं कब किसको लगेगा कि जब हम तेज स्पीड से चल रहे हैं, तब की बात कर रही थी। यस सर। अच्छा, नहीं एक्चुअल में देखो, जब भी हम तेज स्पीड से चलेंगे तो बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। इसी तरीके से हमारी लेंथ छोटी हो जाती है जब हम चलते हैं, और हमारा मास लेंथ तो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो मास होता है वो हमारा बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है लेकिन बढ़ता है। इसी तरीके से जो टाइम होता है वो भी हमारा स्लो हो जाता है। ये सब वो टाइम डायलेशन वाला बहुत। हाँ, तो वो सब रिलेटिविटी से रिलेट हो जाता है, तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑब्जर्वर पे डिपेंड होता है हमें या जो बिल्कुल 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 सब ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए वो रिलेटिविटी से रिलेट हो जाता है। इवन मैग्नेटिज्म भी अगर मैं कहूँ तो वो सब रिलेटिविटी से रिलेटेड है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर एक मोशन से देखेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर वहीं रिलेटिव कर लेंगे तो वही मैग्नेटिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी कुछ इसी तरीके से चीज होती है। इलेक्ट्रॉन मिला मुझे या प्रोटॉन मिला, ये इतने छोटी जगहों पे होते हैं, तो क्यों उसे हमने पॉइंट चार्ज लेना ज्यादा आसान समझा। ओके सर, थैंक यू सर।
ओके तो अभी क्लास ओवर करते हैं। सर एक छोटा डाउट होता है। हाँ बोलो बोलो तनिष। सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? बेटा सुपरपोजिशन जब कोई फोर्सेस को हम ऐड करते हैं ना, जैसे दो तीन चार्जेस रखे हैं एक ही जगह पे, तो सब ये मतलब तीन चार्ज मिलके, तीन चार्ज मान लो एक सेट ट्रायंगल पे रखा हुआ है, तो दो चार्ज मिलके एक चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, तो वो एक चार्ज पे नेट फोर्स कितनी होगी उसे हम कहेंगे सुपरपोजिशन। ओके सर ओके जब एडिशन करेंगे। हाँ सर सर वो एडिशन होगा क्या? क्या क्या एडिशन तो वेक्टर होगा ना? हाँ वेक्टर एडिशन ही होगा बिल्कुल सर। हाँ बेटा सर मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है। हाँ मैं देख ही रहा हूँ कुछ लिखा तो था। वैभव आपने लिखा है? नहीं सर आरएन। यस सर। वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हिच इज सेपरेटेड बाय एन एंगल थीटा। सर थीटा है। हाँ थीटा है। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था मुझे याद है। यस सर आपने कराया। यस सर ये कराया था आपने। मैंने क्लास में कराया बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो अभी जिस जिसने यस बोला है ना उनको पकड़ लो और उनसे पूछो। ओके सर। नाम नोट कर लिया जिस जिसने बोला। मैंने बोला मैंने मोहन सर मेरा भी करवा लो। ठीक है ठीक है अपने आप देखेगा। रेडियंट सिस्टम को डेरिवेट करना है सर इसमें तो बस। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आसान है। मैंने क्लास में कराया हुआ है बच्चों से पूछ लियो तो समझा देंगे आराम से। ठीक है सर मेरा फेवरेट क्वेश्चन समझा दूंगा। अच्छा हाँ अच्छा सवाल है सवाल अच्छा है। सर इसमें क्या अच्छा है सर वही तो था सर सब नहीं है तो वही बेटा लेकिन मतलब जो अच्छे मतलब नॉर्मल बच्चा देखता तो डर जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स है ना बहुत ज्यादा इसीलिए। हाँ बस बस और कोई बात नहीं सर जाए चलो। हाँ बेटा ओवर करते हैं। क्या हुआ सर? क्वांटम एंटेंगलमेंट मुझे नहीं आती बेटा मैं बच्चा हूँ अभी मुझे दसवीं पढ़ाने दो प्लीज बच्चे हम। सर ये फ्यूचर वाले फिजिशियन है लगता है। हाँ बेटा उसे फिजिक्स पसंद है थोड़ी। बेटा क्वांटम एंटेंगलमेंट एक्चुअली क्या बताऊँ मतलब थोड़ी ऊपर वाली चीज है अभी भी रिसर्च हुई। एचसी वर्मा को फॉलो करो। एचसी वर्मा को वो ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं उन्हें मेल कर दिया करो ये सारे क्वेश्चन वो यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। हाँ लेकिन नहीं वो लेकिन तो बताते हैं ना लेवल के हिसाब से। पूरी वर्ल्ड फिजिक्स और मैथ्स है सर। पूरी वर्ल्ड फिजिक्स और मैथ्स है सर। हाँ बेटा है तो यही। सर मैंने ये पढ़ा था कि जैसे जो सर मतलब जो टाइम मशीन बनती है तो सर उसके लिए मतलब बहुत मतलब सर लाइट से भी काफी तेज मतलब जो उससे फास्ट हो ऐसी मतलब कोई एनर्जी टाइप मतलब लगती है उसमें टाइम मशीन बनाने के लिए। बेटा वो तो हाइपोथेसिस है ना लगती है तो मतलब आप ऐसे कह रहे हो जैसे लोगों ने 10-12 बना रखी है। वो लाइट से मतलब सर लेकिन एक कमी होनी चाहिए ना वैसे। क्या बेटा सर जो की स्पीड है सर लाइट से कमी होगी ना सर लाइट में नहीं हो सकती। हाँ बेटा लाइट से कम ही हो सकती है अभी के लिए तो लाइट से कम हो सकती है बाकी और भी हो सकता है पता नहीं है। सर अगर ज्यादा हो गई ना नहीं के तो सर ये फार्मूला गलत हो जाएगा। सर ये इम्पॉसिबल है। हाँ 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 सर लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अभी मैटर के केस में ये गलत नहीं हो पाएगा क्योंकि और चीजें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी है ऐसा नहीं है तो उन सभी चीजों को मिलाएंगे तो अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा इसका कुछ और ही निकालना पड़ेगा तभी हो पाएगा। हाँ बेटा सर स्क्रोडिंगर ने जो थ्योरी दी थी तो सर उसी के कारण हम लाइट को वेव भी कहते हैं। बेटा श्रोडिंगर ने भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे सिर्फ एक नहीं थे लेकिन हाँ श्रोडिंगर का अपना भी मतलब इम्पोर्टेंस थी। श्रोडिंगर ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा काम किया था जहाँ तक मुझे याद है इलेक्ट्रॉन की पूरी वो मतलब वेव के ऊपर पूरा उनका काम है ये एडिशन है। मैक्सवेल जैसे एक और साइंटिस्ट का नाम था ना ग्लेन मैक्सवेल जैसे उन्होंने दिया था। हाँ सबका काफी काफी रोल है मतलब न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने इसको पार्टिकल बोला लाइट को और बाकियों ने इसको वेव बोला लेकिन एक्चुअली दोनों ये जो दोनों चीज लाइट है वो एक्चुअली अगर सही तरीके से देखे तो हमारी समझ से बाहर है। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो वो क्या क्या कर रही है वो हमें दिख रहा है सर, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है मतलब क्योंकि जब हम उसे चेक करते हैं तो वो शो करती है अपना पार्टिकल नेचर। ठीक है अगर हम उसको ढंग से चेक नहीं करते तो वो वेव नेचर शो करना शुरू कर देती है। एक्चुअल में वो है वेवी लेकिन जब हम उसे थोड़ा और देखते हैं तो वो पार्टिकल नेचर शो करना शुरू कर देती है। तो इनके ऊपर थोड़ा डिबेट हो सकता है मतलब अच्छा खासा कभी और खाली टाइम होगा तब करेंगे। ठीक है
कोर्ट केस सर ओके सर ओके सौम्या तेरा एंटेंगलमेंट गुड नाइट गुड नाइट सौम्या तेरा जो एंटेंगलमेंट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा डीप चला जाता है उसमें बस ये होता है कि दो चीजों के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज हो सकती है एचसी वर्मा जिस तरीके से करो वो नहीं बताएंगे एचसी वर्मा सर क्योंकि एचसी वर्मा सर भी अगर बच्ची बताएगी कि मैं टेंथ की स्टूडेंट हूँ तो वो ये कहेंगे कि पहले मतलब बड़ी क्लासों में आ जाओ पहले पढ़ लो उसके बाद उससे रिलेटेड बताएंगे बस टेंथ में ये नहीं कि कब तक जा सकते सर हम रिसर्च में कब तक जा सकते हैं रिसर्च नहीं समझ में क्या बोला अभी आपने सर हम ये रिसर्च वर्क में कब तक जा सकते हैं जो रिसर्च करते हैं सर बेटा आप एक्चुअल में तो देखो बेसिक तो वो रेगुलर चलता ही है कि पीएचडी तक आपको रुकना पड़ता है अच्छी जगह पे अगर चले जाओगे पहले ही तो हो सकता है आप मास्टर्स से ही शुरू कर दो मतलब रिसर्च बाकी क्योंकि पहले बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि कहाँ तक हो गई है उसके बाद ही रिसर्च चालू कर पाओगे तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है तू ट्राई कर आईएससी बैंगलोर है वहां पे तू रिसर्च कर सकती है बाकी सब तो नॉर्मल जगह है बाकी तुम्हें तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा ठीक है ना तो ग्रेजुएशन के बाद आईएससी बैंगलोर में ट्राई करियो मास्टर्स के लिए वहां पे और फिर उसमें पीएचडी और उसके बाद फिर नासा फासा जहाँ जाना वहाँ चले जाइए सर नासा क्यों जाएंगे सर इसरो जाएंगे वो तो तू देख लियो तो जहाँ तुझे अच्छा लगे ओके सर ठीक है ना चलो ओके सर गुड नाइट सर गुड नाइट बेटा गुड नाइट सर गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट थैंक यू सर थैंक यू सर